यूपी में 7 चरण के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब 10 मार्च को मतगणना होगी। इसके लिए औरैया में भी जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने मतगणना स्थल में चाक चौबंद व्यवस्था करते हुए स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम सुनील वर्मा और एसडीएम रेखा चौहान ने औरैया मंडी परिसर में बने मतगणना केंद्रों का जायजा लेते हुए आला अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार से मतगणना में लापरवाही न की जाए। डीएम सुनील वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तीनों विधानसभा के लगभग 35 राउंड में मतगणना होगी। हर राउंड टेबल पर 500 मतों की गणना की जाएगी और प्रत्याशी के एजेंट को बताने के साथ ही अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। और उसके बाद हमारा जो ईवीएम की काउंटिंग है वो लगातार चलती रहेगी। ईवीएम में भी जो राउंड्स हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं विधानसभा के अकॉर्डिंग 34-35 राउंड से ज्यादा किसी भी नहीं जा रहा है। मैक्सिमम विधुना है 470 बूथ है वहाँ पे, तो वहाँ भी 34-35 राउंड में हमारा खत्म हो जाएगा और ये प्रोसेस हमारा उम्मीद है कि हम 3-4 बजे तक खत्म कर लेंगे। और जो ईवीएम जो पोस्टल बैलेट का सॉरी जो पोस्टल बैलेट हमारा काउंट होता है वो लास्ट राउंड में जाके जुड़ता है, तो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग लास्ट में जाके लास्ट राउंड में जुड़ी जाएगी। लेकिन हर राउंड जो हमारा 500 भी टेबल का राउंड है वो सभी कैंडिडेट्स को बताया जाएगा और उनको नोट कराया जाएगा और हर राउंड के बाद उस पर ऑब्जर्वर के टेबुलेशन पे ऑब्जर्वर के साइन भी होंगे। जो हमारे एजेंट उन लोगों ने बनाए हैं पॉलिटिकल पार्टीज ने उनके भी सबके साइन होंगे और जहाँ पे हमारा कैंडिडेट उपलब्ध होगा तो कैंडिडेट के भी साइन कराया जाएगा। तो ये प्रोसेस पूरी तरह ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाया जाएगा। मीडिया के लिए भी जहाँ पे हम लोग बैठे हैं